मविया की सत्ता में रहते हुए अपने ही गृहमंत्री को ईडी के चंगुल से बचाने में नाकाम। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पवार को कहा जाता है। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के सुबह के शपथ ग्रहण को शरद पवार की राजनीतिक चाल बताया गया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी का आदमी करार देकर सनसनीखेज आरोप लगाए है। एक निजी चैनल से बात करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के कहने पर किया गया। वहीं प्रकाश अंबेडकर का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह ऐसे वक्त में दिया जा रहा है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन में के प्रमुख शरद पवार को माना जाता है। लिहाजा ऐसे वक्त में प्रकाश अंबेडकर का यह बयान महाविकास आघाड़ी में दरार तो नहीं पैदा करेगा। इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। शरद पवार की नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी प्रकाश अंबेडकर ने निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस राजनेता करार दिया है। खास बात यह है कि शरद पवार कई बार मंच से नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, शरद पवार जब नागपुर आते हैं तो वो गडकरी से मुलाकात किए बगैर जाते नहीं। इसी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समय दे पाते नहीं, जिस कारण से दबी आवाज में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में रोष है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर।